धम्मपदम का चौथा वर्ग पुप्फवक्को, उसकी 14वीं गाथा है। तेसम संपन्न शीलानाम अपमाद भी अपमाद विहारिनम सम्मदया विमुत्तानम मारो मग्गम न विंदति। तेसम संपन्न शीलानाम, वे जो शील संपन्न हैं, संपन्न शीलानाम, तेसम वे जो शील संपन्न हैं अर्थात पवित्र रहने से पूर्ण है, और अपमाद विहारिनम, अपमाद विहारिनम, अप्रमाद होकर विहरने वाले, अर्थ क्या होगा, सावधान होकर विहरने वाले, वे सम्मदीया विमुक्तानम, सम्यक ज्ञा विमुक्तानम, सम्यक ज्ञा, ज्ञा ज्ञान, सम्यक ज्ञान से युक्त हो विमुक्तानम, विमुक्त है उनके मग्गो निर्वाण मार्ग में, मारो काम मोह न विंदति, बाधा नहीं पहुंचा सकता। विंदति का अर्थ अनुभव करता है, यहां प्रसंगानुसार विंदति का अर्थ है बाधा, न विंदति बाधा नहीं करता। पिछली दो गाथाओं में बात आई थी विभिन्न सुगंधित पौधों का नाम, द्रव्यों का नाम लिया गया, चंदन, तगर, कमल, बेले, जूही, इन सब की गंधों के प्रकारों से शील की गंध सर्वोत्तम है। और यह भी कहा गया कि ये जो तगर, चंदन आदि के गंध फैलती है वह अल्प मात्रा में है, और जो शीलवानों की सुगंध है यह उत्तम है और देवताओं तक फैलती है, सज्जनों तक फैलती है। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे जो शील संपन्न है, तेसम संपन्न शीलानम, ऐसे जो शील संपन्न है और प्रमाद छोड़कर अपमाद विहारिनम, प्रमाद छोड़कर समाद निष्ठ हो विहरने वाले हैं, पे सम्यक ज्ञान से संपन्न, सम्मत इया विमुक्तानम, वे सम्यक ज्ञान से संपन्न हो मुक्त हो गए हैं, मारो मग्गम न विंदति, उनके निर्वाण पथ में काम मोह बाधा नहीं डाल सकता। जो पवित्र रहनी में रहता है, प्रमाद, आलस्य, असावधानी, मोह छोड़कर समाधि अभ्यास करता हुआ विचरता है, और जिसे बंधन, मोक्ष, हानि, लाभ का पूर्ण ज्ञान है, अतएव सबसे मन समेटकर विमुक्त रहता है, असंग एवं निर्वाण सुख में रहता है, वह पूर्ण कृतार्थ है। हर चीज को वो सही ढंग से देखता और समझता है, जो जैसा है, रहनी भी पवित्र है, सावधानी भी भरपूर है, और सम्यक ज्ञान, जो जैसा है, यदि शरीर और संसार परिवर्तनशील है उसी रूप में देखता है, शरीर नाशवान है उसी रूप में देखता है, विषयों के भोग से शाश्वत सुख नहीं मिलने वाला है, इस चीज को वो अच्छी तरह से समझता है, ये सम्यक ज्ञान।
उसके हानि लाभ को समझता है, उसके बंधन को समझता है, उसके त्याग के बाद जो मुक्ति का आनंद है उसको भी समझता है। अब ऐसे साधक के लिए जो मनोविकार है वो बाधा नहीं है। वही तथागत बुद्ध कहते मारो मग्गम न बिंदती, उनके निर्वाण पथ में काम मोह बाधा नहीं डाल सकता है। काम मोह गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि मन कोई ऐसा कोई जानवर नहीं है कि आपके सामने आकर आपको परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कोई विषय वासना ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको जबरदस्ती परेशान करे। क्रिएटिव माइंड हमारा है, हम स्वयं उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर क्या होता है और वह हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। हर चीज जो धन की बात कही जाती है, धन काहे को बंधन है, धन बंधन बिल्कुल नहीं है, वह तो जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी है, वो मोह का कारण भी नहीं है। मोह वो उसके प्रति जो हमारा गलत नजरिया है, गलत भाव है, वो हमें परेशान करेगा और फिर वो हमारे मन में वो माया बन जाएगी, जिसको माया कहते हैं ना, वो माया नहीं है वस्तुतः, माया का रूप हमने खड़ा किया। ये उदाहरण मैं कई बार दिया करता था पहले, किसी के यहां हम गए, कोई प्रेमी भगत मिलने ही गए, पवित्र भाव मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। उस समय भक्त उधर बाथरूम की तरफ थे, घर के लोग कहे कि बैठिए बैठिए और बैठक में बैठा दिए। अब कोई नहीं है वहां, अकेले बैठा मैं, फिर क्या हुआ, फर्नीचर सोफा सेट सब लगे थे, उसी के बीच में देखा एक 2000 का नोट रखा है, नीचे रखा क्या पड़ा है नीचे, शायद घर वालों को भी पता नहीं कि ये नोट यहाँ गिरा है कुछ हो। अब उस नोट को देख करके मन में हुआ नोट को रख लेना चाहिए, कोई तो देख नहीं रहा है। अंदर वाला क्या कहता, अरे नहीं साधु का कपड़ा पहने हो, गलत है रखना। फिर कह रहा है पता है 2000 जल्दी मिलता है क्या, बहुत कम अवसर आता है। अब ये सब उथल पुथल चला। अब क्या हुआ, मन संभाल नहीं पाया, साधक अपने आप को संभाल नहीं पाया, या कहूं मैं नहीं संभाल पाया, और उस नोट को चुपके से उठाया और झोली में डाल दिया। भगत आए मिलने, कैसे आए, बस ठीक है। अब बहुत गहन चर्चा नहीं होगी, देर तक बैठने का मन भी नहीं होगा, अब क्या होगा, कितना जल्दी यहां से जाऊं और वहां से चला जाऊंगा। घर वालों को संदेह भी नहीं है कि इनके द्वारा कुछ हुआ है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन मुझे पता हो गया कि मैंने 2000 का एक नोट रख लिया है। फिर क्या हुआ, अगले दिन भगत आ गया मिलने के लिए। अब मेरे मन में सबसे पहला जो प्रश्न क्या आएगा, संदेह क्या आएगा, कहीं पता तो नहीं चल गया, पूछने आया है क्या। अब वह नोट जो बिल्कुल निरपेक्ष था मेरे लिए माया का कारण बन गया। कौन बनाया, मेरे पास में वह स्वतंत्रता थी कि मैं उसको न उठाऊं, लेकिन जैसे ही उसको उस भाव से ग्रहण किया और वह मेरे लिए माया का कारण बन गया। तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो मार है ना, ये जो मनोविकार है ना, ये उन्हीं के लिए बाधक है जो असावधान है, निशील है और हानि लाभ को नहीं समझता है। लेकिन जो साधक शील संपन्न और प्रमाद छोड़कर के समाधिनिष्ठ अर्थात समाधि के लिए साधना करने वाला,
सम्यक ज्ञान से संपन्न हो गए हो, उनके निर्वाण पथ में काम व बाधा नहीं डाल सकता है। उसके मार्ग किसी प्रकार की मानसिक दुर्बलता नहीं आ, उनके मन में डगमगाहट भी नहीं, कैसे होगा क्या होगा नहीं, वो बड़ा निर्द्वंद रहेगा। सद्गुरु कबीर ने जो कहा ना, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब उसके मन में कोई डगमगाहट नहीं, हलचल नहीं, पता है अभी मुझे चलना है, बात सच है, लेकिन वो साफ है, उनको साफ दिखाई देता है, हाँ मुझे यह करना है। आगे की गाथा है, यथा संस्कार धानिष्मिम उंजित तस्मिम महापथे पद्मम तत् जायेत सुचिगंधम मनोरम। 15वीं और 16वीं गाथा एक साथ रखी गई है, दोनों का संदर्भ एक ही है। एवं संस्कार भूतेषु अंधभूते पिथु जने अतिरोचति पैयाय सम्मा संबुद्ध सावको। यथा जैसे संस्कार धानिस्मिम उज्जितस्मि महापथे, महापथे बड़ी सड़क, हाईवे किनारे कर लो, बड़ी सड़क किनारे, उज्जित तस्मिम फेंके गए, फेंक दिया गया, संस्कार धान इसमें कूड़े करकट के ढेर में, तत्र पर उसी स्थान पर सुचिगंधम मनोरमम पवित्र सुगंध युक्त और प्रीकर पदुमम कमल। पदुम कमल यहां का भाव है पुष्प, जायत उगाए, कहां फेंक दिया गया, एक बड़ी सड़क हो, कूड़े करकट का ढेर हो, अब वहां एक ऐसा फूल का बीज या पौधा फेंक दिया गया जो बहुत सुगंधित है और कहीं उगाया तो क्या होगा, वही बता रहे हैं। जायेत उगाए वैसे संस्कार भूतेषु कूड़ा करकट के समान अंधभूते मूढ़ बुद्धि वाले पृथक जने, पृथक जन सामान्य अशिक्षित आदमियों में सम्मा संबुद्ध सावको सम्यक संबुद्ध का शिष्य, सावको श्रावक श्रोता शिष्य, पैयाय प्रज्ञा से अतिरोचति अधिक चमकता है। जिस प्रकार बड़ी सड़क के किनारे फेंके गए कूड़े करकट के ढेर पर पवित्र सुगंधित और प्रीकर पुष्प उगाए, इसी प्रकार कूड़े करकट के समान अज्ञानी और अधार्मिकों में सम्यक संबुद्ध का शिष्य प्रज्ञा से अधिक चमकता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, कूड़े कचरे का ढेर भले ही हो, पुष्प का बीज पड़ेगा, उगेगा और खिलेगा तो उसकी सुगंधी आएगी, सुंदरता आएगी, प्रीकर होगा ही। इसी प्रकार से पूर्ण ज्ञानी का श्रावक श्रोता शिष्य यदि प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है, तो सामान्य लोगों में जन्म लेकर भी प्रकाशमान होता है। जन्म कहाँ हुआ इसका मूल्य नहीं है। गुरुदेव जी यहां बता रहे हैं, मनुष्य का मूल्य उसके माता पिता कल्पित जाति वर्ण और कुल परंपरा से नहीं होता है, अपितु उसके सत्य ज्ञान तथा पवित्र आचरण से होता है। बहुत से नाम यहां पर देते हैं गुरुदेव जी, वशिष्ठ, अगस्त, पराशर, व्यास, नारद, वाल्मीकि, सत्यकाम, जाबाल आदि, ये ऐसे नामों की लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। और बृहदारण्यक उपनिषद में 50 से अधिक उन ऋषियों के नाम की सूची दी गई है जिनकी माताओं का तो पता है परंतु पिताओं का नहीं। इसके भाष्य में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक स्वामी शंकराचार्य जी भी लिखते हैं, स्त्री
प्राधान्यान गुणवान पुत्रो भवतीत, अर्थात स्त्री के स्वतंत्र होने से उससे गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। बड़ी क्रांति की बात है, स्वतंत्र होने से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। यहां पर संदेश क्या है, प्रज्ञावान हो, सत्य ज्ञान तथा सत्य आचरण से संपन्न व्यक्ति कहीं भी हो, वह पुष्प के समान शोभायमान होता है। कम से कम हम लोगों के लिए अब यह महत्व नहीं रह गया कि हम किस परिवार में जन्मे, किस प्रांत में जन्मे, कितना पढ़े लिखे, क्या हुआ। यहां आने के बाद में सब एक बराबर हो गए, एक बराबर हो गए, एक सबके लिए बराबर भूमिका उपलब्ध है, सब वातावरण बराबर है सबके लिए, खाना पीना पहनना ओढ़ना रहना बसना, ज्ञान सत्संग सब कुछ समान है। अब इस जो एक प्रकार से उर्वर भूमि है, अब इस उर्वर भूमि में अपने आप को विकसित करना है। अब ये सब पर व्यक्ति व्यक्ति हर साधक पर ये निर्भर करेगा कि वह इस उर्वर भूमि से, इस परिस्थिति से, इस वातावरण से हम कितना ले और अपने आप को कितना ऊंचाई पर ले जाएं। अब उसका महत्व नहीं रह गया कि कितना पढ़ के लिख करके आए, अब इसका भी महत्व नहीं कि बड़े घराने के हैं कि छोटे घराने के हैं, कि गरीब घर के हैं कि क्या हैं, या किस जाति के हैं, नहीं रह गया है। अब यहां के बाद जो उठेगा महत्व उसका होगा, उसका होगा। और यहां आने के बाद भी यदि सोया रह गया ना, तो फिर वो सोया है, वो अपने लिए ही सोया है, ये भी सच है। और जाग गया तो अपने लिए जाग गया, वो अपना काम कर लिया। हम देखते हैं आज आप सबका अपना अनुभव है, बात दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए देखना है कि मुझे क्या करना है, क्या हम जीवन में वह बदलाव ला पा रहे हैं जो सचमुच हमें लाना चाहिए। थोड़ा सा भी बदलाव कर देते हैं ना, बहुत परिवर्तन आता है और जीवन का मूल्य बहुत बढ़ जाता है, मूल्य बहुत बढ़ जाता है। जिस जीवन का कोई पूछने वाला नहीं था, सही कहो तो, उसका भी मूल्य बढ़ जाता है। ये पंक्ति बहुत पहले मैंने पढ़ी थी और कहा भी कई बार कि जब मैं बिकने को था, कोई खरीदार नहीं मिला, सदगुरु ने खरीद कर अनमोल बना दिया। बिकने को था, पहले क्या होता था, कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं कुछ काम मिल जाए और उसके बदले में कुछ पैसा मिल जाए, कुछ हो जाए, कोई खरीदने वाला है? लेकिन सदगुरु ने खरीद करके अनमोल बना दिया। अब कोई कहता है आना है, नहीं है समय, कितनी बड़ी बात हो गई, परिवर्तन। थोड़ा ये उदाहरण मैं न जाने कितनी बार दिया, फिर से देने का मन होता है। एक शहर में एक धनी आदमी के सामान को लीलाम करना था, तो सारे सामान एक हाल में इकट्ठा किया गया। नीलामी करने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ, सामान को उठाता और बोलता, लोग बोली बोलते और सामान खरीद लेते। तो नीलाम करने वाले के हाथ में एक वायलिन आया, हाथ में उठाया, कहा कि इस वायलिन के बारे में इसकी कितनी कीमत लगाओगे। लोग चुप रहे, अंत में स्वयं कहता है 5,000 रुपये, कोई नहीं बोला। 2,500 रुपये, कोई नहीं बोला। 1,000, नहीं बोला। 500 रुपये, फिर भी कोई नहीं। अंत में वो मुस्कुराते हुए क्या कहता है,
अच्छा 50 रुपये के बारे में क्या ख्याल है? इतने में एक सज्जन जो थोड़ा सा उम्रदराज था, आहिस्ते आहिस्ते उस मंच तक पहुंचा और नीलाम करने वाले से कहा, क्षमा कीजिए, क्या मैं थोड़ा समय आपका ले सकता हूं? और उनके हाथ से वायलिन लिया, साफ किया, तारों को सुर में लगाया, कुछ परिवर्तन किया और बजाने लगा वायलिन, जैसे कोई संगीत की स्वर लहरी ही फूट पड़ी हो, एकदम सन्नाटा पूरा हाल में, सब स्तब्ध। उस संगीत से इतना भाव विभोर थे, सब मगन थे। आधे घंटे तक बजाया वह और अचानक बंद किया। थोड़ी देर चुप्पी सधी रही, फिर जोरों से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। वह व्यक्ति वायलिन उस नीलाम करने वाले के हाथ में सौंपा, श्रोताओं का अभिवादन किया और आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे से बाहर चला गया। और तब वो नीलाम करने वाला उस वायलिन को हाथ में फिर से लेता है और क्या कहता है, अब इस बेहतरीन वायलिन के संबंध में क्या ख्याल है? अब वो जो नीलाम के सामान खरीदने के लिए आए लोगों में से एक आवाज आई, 5,000 रुपये। फिर किसी ने कहा 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। 25,001, 25,002, 25,003। और वह वायलिन कितने में बिके? बिका 25,000 में, जिसको लोग 50 रुपये में भी नहीं खरीदना चाहते थे। इस कहानी की शिक्षा यह है कि थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं ना, तो जीवन का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। और ये हम सोचे कि कोई बदल देगा, लाइफ डज नॉट चेंज बाई चांस, ये बाई चांस नहीं बदलने वाले हैं। लाइफ विल चेंज व्हेन यू चेंज, जीवन संयोग से नहीं बदलता। जब आप बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा, आप बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं को बदलना होगा। और ये भी ध्यान रखें, हम जो भी जीवन में सफलता चाहते हैं ना, वो क्या है, हमारे सुविधा क्षेत्र से बाहर और प्रयास क्षेत्र के अंदर। ये दो शब्द मैंने कहा, इसको थोड़ा सा समझ लें, क्या है वो, सुविधा क्षेत्र से बाहर और प्रयास क्षेत्र के अंदर। जो हम कंफर्ट जोन में है ना, उससे थोड़ा से आपको अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे कि बढ़िया से, समय से भोजन मिल गया, समय से हो गया, वो हो गया, सब कुछ, सब कंफर्ट जोन में है। कुछ अलग करना होगा, थोड़ा सा परिवर्तन। लेकिन सफलता प्रयास के अंदर, प्रयास क्षेत्र के, ऐसा नहीं कि वो असंभव है, संभव है, लेकिन सुविधा क्षेत्र से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। और यही जब हम करेंगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर यह महत्व नहीं रहेगा कि हम कहाँ से आए, कहाँ जन्मे, महत्व यहाँ से शुरू हो जाएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जैसे कूड़े करकट के ढेर में भी सड़क किनारे फेंके गए फूल का बीज जब उगाता है तो उसकी सुंदरता और उसकी सुगंधि बड़ी प्रीकर होती है, ऐसे ही किसी जाति, वर्ग, समाज, देश, कहीं भी जन्मा हो, जब वो साधना पथ में अपने आप का प्रगति कर लेता है, अपने आप को विकसित कर लेता है, तो फिर वो किस प्रकार से, उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार कूड़े करकट के समान अज्ञानी और अधार्मिकों में अतिरोचित एवं संस्कार भूतेषु अंधभूते पिथुज्जने, अधार्मिक एवं सम्यक संबुद्ध का शिष्य
प्रज्ञा से अधिक चमकता है, मतलब सामान्य लोगों के बीच में वह जन्मा रहा पला बढ़ा, कबीर के ही उदाहरण है, कहाँ जाएंगे। लेकिन उनकी विशेषता ऐसे ही हम सब भी यदि साधना करके अपने जीवन में प्रगति करते हैं तो हमारी भी विशेषता हो जाएगी, सहाय बनेगी। और यहीं पर ये पुष्प वर्ग समाप्त होता है और कथा भी मेरी यहीं से समाप्त होती है, साहेब बंदगी।